चैनल चैंपियन अलाउड है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 56 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें आपको लेटर्स का यूज़ करना है। ठीक है, अभी तक हमने जो 55 पैटर्न प्रैक्टिस सेट पढ़ा था उसमें आपको नंबर्स दिए हुए थे, नंबर्स का सोल्यूशन था। बट यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट से आपको नंबर पर करना है, उसके बाद सोल्यूशन होने की कंडीशन होगी तो आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज़ अ लेटर फॉर एनी नंबर एंड राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट। ठीक है, आपको शॉर्ट में वो प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज नंबर इट्सेल्फ। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे नंबर लेंगे, क्वेश्चन में क्या कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो आंसर वो नंबर खुद ही आएगा। ठीक है, लेट्स एनी नंबर इज इक्वल टू ए, तो हमारी देन कंडीशन क्या हो जाएगी, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेंड आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर दोज नंबर इज द सेम। यहाँ पर क्या है, किसी भी दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आने वाला नंबर है वो इन्हीं दोनों का ऑर्डर चेंज होकर नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट्स द नंबर इज ए एंड बी, देन जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए इंटू बी, तो जो आने वाला नंबर है वो बी इंटू ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज जीरो। ठीक है, अगर हम किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे, लेट्स द नंबर इज ए, देन कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू ए, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आशा करता हूँ बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और आपको स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दी है इसको आपको वर्ड में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द डिफरेंट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इट एंड जीरो इज द नंबर इट्सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर द डिफरेंट एनी नंबर इज जीरो इज द नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एन डिवाइड बाई वन। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी ऑफ एनी वन डिवाइड बाई वन इज नंबर इट्सेल्फ। ठीक, यहाँ हो जाएगा एन डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू एनी नंबर डिवाइडेड बाई वन इज द इट्सेल्फ। आशा करता हूँ बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।